हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं कृतिका और आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन। प्रियंका चहर चौधरी छोटे पर्दे की तेजो जैसे ही बिग बॉस के घर में आई, वैसे ही वो आते ही सबकी फेवरेट बन गई। प्रियंका हमेशा से अपना स्टैंड लेने के लिए पहचानी जाती है। प्रियंका हमेशा से हर मुद्दों में पढ़ने के लिए जानी जाती है, लेकिन इसी बीच एक क्वालिटी ऐसी है प्रियंका में जो फैंस को उनका दीवाना बना देती है, और वो क्वालिटी है उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड और फेयर गेम खेलना। और शायद यही वजह है कि फैंस की उनके लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट है। वही अब सेलिब्रिटीज भी प्रियंका की खुलकर तारीफें करने लगे हैं, और अब इसी लिस्ट में ये है मोहब्बते फेम करण पटेल का नाम भी शुमार हो गया है। एक इंटरव्यू के दौरान करण पटेल से जब बिग बॉस सीजन 16 पर सवाल पूछे गए, तो करण ने कहा, देखिए मैं इस शो को रेगुलरली वॉच नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हाँ ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, और इन वीडियोस के अनुसार मुझे प्रियंका का गेम बहुत अलग लग रहा है। प्रियंका जिस तरीके से गेम में आगे बढ़ रही है वो शानदार है, माइंड ब्लोइंग है, और वो मुझे बहुत ज्यादा मजा भी आता है प्रियंका की, उसके स्टैंड्स को देखने का। उसका जो गेम है वो बहुत ही ज्यादा वो फेयर प्ले कर रही है। तो यानी कि जो करण पटेल है वो प्रियंका के फैन है, और उन्होंने प्रियंका की जमकर तारीफें की है। और यहां तक कि जब उनसे पूछा गया कि आपके अकॉर्डिंग कौन इस शो को जीत सकता है, कौन यानी कि इस शो की ट्रॉफी हथिया सकता है, तो इस पर भी करण पटेल ने कहा कि उनके अकॉर्डिंग प्रियंका ही इस शो की विनर बनेंगी, क्योंकि उनमें वो हर क्वालिटी नजर आ रही है जो कि एक विनर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहरहाल आप लोग भी मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में प्रियंका है डिजर्विंग इस शो की ट्रॉफी को जीतने के लिए। कमेंट में जरूर बताइएगा इस वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए गॉसिप टाउन।